हिंदू कार्यकर्ताओं की कानूनी सहायता प्रदान करने में हुए आध्यात्मिक अनुभव, इस विषय पर अधिवक्ता कृष्णमूर्ति पी हमें अपना अनुभव बताएंगे। उनका हम परिचय जानकर लेते हैं। कोडगु कर्नाटक के अधिवक्ता कृष्णमूर्ति पी प्रखर हिंदुत्ववादी योद्धा अधिवक्ता है। हिंदू कार्यकर्ताओं को न्याय मिलने के लिए वे प्रयास करते हैं। कर्नाटक के मडिकेरी में टीपू सुल्तान जयंती मनाने के संदर्भ में जो दंगे हुए थे, उस समय आपने हिंदू कार्यकर्ताओं को कानूनी लड़ाई लड़कर सहायता की तथा उनको न्याय दिलवाया। आप वामपंथी गौरी लंकेश तथा कलबुर्गी इनकी हत्या के प्रकरण में फंसाए गए हिंदू कार्यकर्ताओं के न्याय के लिए भी लड़ रहे हैं। बंधुओं, धर्म का यह कार्य करते समय उन पर प्राणघातक आक्रमण भी हुआ है, गोलियां भी चली है, परंतु अधिवक्ता कृष्णमूर्ति जी निडरता से एवं निष्ठापूर्वक वो कार्यरत करते रहते हैं। ऐसे धर्मवीर और धर्मयोद्धा अधिवक्ता आज हमारे बीच उपस्थित है, तो हम उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। उनका आध्यात्मिक स्तर 64% है। मैं उनसे विनती करता हूँ कि हम सभी को मार्गदर्शन करें। वंदे मातरम। वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण के सुकोमल चरण में शरण लेते हुए परात्पर गुरु जयंत बालाजी अठौले जी के पावन चरण में शरण लेते हुए इधर उपस्थित सभी संतों और सद्गुरुओं और सभी हिंदू अधिवक्ताओं सभी को मेरा साष्टांग प्रणाम। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित ये वैश्विक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन This is a different kind of अधिवेशन। पूरे देश के कोने कोने से इधर हिंदू संगठनों के लीडर्स आए हैं, विदेश से भी आए हैं। हम सभी किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं। क्या हम कभी देखे हैं क्या ऐसा एक अधिवेशन? सभी संगठन उनका संगठन का जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं उनको जोड़ के साल में या दो साल में एक अधिवेशन करते हैं। दिस इज ए पेक्यूलियर काइंड ऑफ अधिवेशन फॉर विच आई थैंक एंड आई bow my head to HJS and to Parama Pujya Paratpar Guru Jayant Balaji। हम सभी अधिवक्ता दो दिन का अधिवक्ता लोगों का चर्चा सेमिनार सब होगा इधर। अधिवक्ता का एक एक्सपेक्टेड नेचर है that he should have a sense of wit, थोड़ा humorous होना expected है। हम professional ethics में जब पढ़ते हैं तो we can come across this, who is the naughtiest person ever we have seen in this earth? कौन हूँ? नॉटी, बहुत नॉटी। वो हिंदी में उसको नटकट जो नेचर है भगवान श्री कृष्ण का, इज द नॉटेस्ट पर्सन एवर। क्यों? उनका हर नॉटी काम में उन्होंने एक संदेश दिया। उनको करने का और काम था लेकिन हमको सिखाने के लिए वो रास्ता अपनाएं।
बहुत प्यार से ह्यूमरसली सिखाते हैं। हमारा गुरुदेव भी कभी किसी को डांटा नहीं है, प्यार से बोलते हैं। अगर एक साधक ने थकान से सोए हैं तो बोलते हैं सोने दीजिए थोड़ा और, थका होगा। देखिए, उन्होंने स्वयं उदाहरण बन के हमको सिखाते, आगे लेके जा रहे हैं हमको। अभी सद्गुरु काका ने बताया, इधर वी हैव टू बी एक्टिव एक्टिव एडवोकेट्स, साधक एक्टिव एडवोकेट्स। और एक बात बताए, दो चश्मा होता है, एक हिंदुओं के तरफ का कुछ मामला केसेस आता है तो एक चश्मा, दूसरा का एक चश्मा। क्या कोर्ट में हम अधिवक्ता होके कैन वी एक्सपेक्ट जस्टिस, कैन वी एक्सपेक्ट जस्टिस? आई से, मैं ये बोलता हूँ, कोर्ट में हमको न्याय मिलता है या नहीं, जजमेंट मिलता है। न्याय किधर मिलेगा? न्याय मिलेगा सिर्फ गुरु के वहाँ और भगवान के वहाँ। कोर्ट में सिर्फ मिलेगा हमको जजमेंट। तो अधिवक्ता होने के नाते, साधक अधिवक्ता होने के नाते, हिंदू अधिवक्ता होने के नाते, हमको क्या करना चाहिए? हम जो केसेस लड़ते हैं उसमें हमको फेवरेबल जजमेंट लाने के लिए कुछ भी प्रयास करना पड़ता है, क्या भी करना पड़े हमको वो करना है। वी हैव टू पुट ऑल अवर स्ट्रेंथ, वी हैव टू पुट ऑल अवर एक्सपीरियंस, वी हैव टू डू ऑल द नॉटीएस्ट एवर थिंग्स टू गेट ए जजमेंट इन अवर फेवर। तो ये सोच हमको कैसे आ सकता है? सबके पास वही है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, चार्जशीट है। हाउ कैन वी डू दिस एंड हाउ कैन वी गेट दिस आइडिया? मैं मेरा अनुभूति बताता हूं। इधर बताए, टिप्पू जयंती के कर्नाटक सरकार से जो आचरण किया गया था 2015 में, टिप्पू जयंती के समय में विश्व हिंदू परिषद के संगठना मंत्री का हत्या हो गया, उसका रिटेलिएशन में और एक हत्या हो गया, शाहुल हमीद करके एक मुसलमान का हत्या हो गया। अपना तीन हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप था और उनको इलीगली कस्टडी पर रखा था। तुरंत हमने सीआरपीसी के एप्लीकेशन डाइस, सीआरपीसी के सेक्शन में वी हैव सर्च्ड द पोलिस हेडक्वार्टर्स ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटक, इट इज़ द फर्स्ट, फॉर द फर्स्ट टाइम पोलिस ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ एसपी वाज शिवरिंग। हम अधिवक्ता लोग कोर्ट से ऑर्डर लेके, एक कोर्ट कमिश्नर को लेके हम जाके वी आर सर्चिंग द पोलिस हेडक्वार्टर्स। तो उतना हमको ताकत कहाँ से मिला? साधना से। निरंतर नाम जप करते रहो, आपको आइडियाज भगवान देता ही रहेगा। ये मेरा डेली रूटीन में है। मैं कोर्ट में जाता हूँ, बैठता हूँ तो नाम जप निरंतर करता रहता हूँ, गाड़ी में जाता हूँ तो नाम जप होता ही रहता है। सब लोग बोलते हैं कि सर आपको देख के तो ऐसा लगता है आपको टेंशन ही नहीं है, 302 एक मर्डर केस का ट्रायल चलाने के लिए आए हैं, टेंशन ही नहीं है, आप तो गाना गा रहे हैं, पिल्लंग गोविया चेलव कृष्णना एली नोड़ी देरी। मुझे क्यों टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है? आई विल रिसर्च इट, आई विल मेक प्रिपरेशन, देन आई लीव टू गॉड। मैं उनको बोलता हूँ अभी आप ही हमारा सीनियर है, अगर मेरा गलती कुछ होता है तो नाम आपका खराब होगा। अपना भक्ति इतना होना चाहिए भगवान से
श्रद्धा गुरु से श्रद्धा भगवान से भक्ति इतना होना चाहिए कि अगर हमको कुछ तकलीफ होता है तो टेंशन भगवान को होना चाहिए, अरे अभी आज इसका क्या होगा, मुझे अभी क्या करना चाहिए, इतना होना चाहिए। उतना भक्ति भगवान के प्रति होना चाहिए, गुरु के ऊपर उतना श्रद्धा होना चाहिए। आगे का रास्ता उन्होंने हाथ पकड़ के लेके जाएंगे। मेरे साथ गौरी लंकेश केस का ट्रायल के लिए अपने कोलीग एडवोकेट्स सब लोग हम बैठ के रिसर्च करते हैं, बोलते हैं कि अगले दिन ये विटनेस आएगा तो हम ए लाइन पे क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद जो कोर्ट में जाके वो विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन ओ लाइन पे होता है और एक्स्ट्रा एक आधा घंटा एक घंटे उसको रगड़ने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो सीनियर का। दिस इज द पावर ऑफ साधना, दिस इज द पावर ऑफ नाम जपा। ये अनुभूति हमको एवरी सेकंड हमको ये अनुभूति आता है कि हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ गुरुदेव है। वो अनुसंधान जो गुरु से और भगवान से वो करना चाहिए। कैसे कर सकते हैं? निरंतर स्मरण, सदा ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋ ಶ್ರೀಹರಿ, ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿರಲಿ, ಹಮೇಶ ಹೃದಯ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ರಖೋ ಔರ್ ಜೀಬ್ ಮೇ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ಅಪ್ನಾ ಜೋ ಇಷ್ಟ ದೇವತಾ ಕುಲ ದೇವತಾ ಜಪ್ ಕರ್ತೇ ರಹೋ, ಬಾಕಿ ಸಬ್ ಛೋಡೋ। ಔರ್ ಏಕ್ विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। बिफोर 2018, उससे पहले कोर्ट में जो हम केस चलाते थे उस टाइम का और उसके बाद जो साधना मार्ग में हम सीखना शुरू किया उसके बाद का जो डिफरेंसेस, पहले सभी जजेस के साथ हमको हाथ जोड़ के बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि सब ये डेट नहीं चाहिए, उस दिन हमको दूसरे जगह पे केस है तो अगला डेट दीजिए, ये सब करना पड़ता था। अभी उडुपी में जज साहब हैं, उन्होंने अच्छा जज है लेकिन स्ट्रिक्ट है एकदम, वो बोलते हैं कि मैं डेट आपका हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से डेट दूंगा। लेकिन जब भी मैं एक हिंदू कार्यकर्ता के केस के लिए जाता हूँ, अगले डेट जज साहब पूछते हैं, सर आपको कौन सा डेट चाहिए। दिस हैपन्स इन उडुपी, मैसूर में किरण शेट्टी नाम का एक लड़का का हिंदू कार्यकर्ता है, उसका केस लड़ने जाते हैं। पहले यशवंत कुमार करके एक जज साहब थे, बहुत स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट। फर्स्ट डेट में मैं गया, साहब को बोला सर जनवरी में 2021 का बात बोल रहा हूँ, जनवरी में डेट सेशन मैटर कंटिन्यूस तीन डेट्स नहीं चाहिए तो जनवरी एंड में दे दीजिए। बोला नहीं, जनवरी 6, 7 और 8 करके फाइल फेंक दिया। मैंने बोला ठीक है, जनवरी 6, 7, 6 को गया फर्स्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। जैसे मैंने प्रार्थना करके कृष्णा अभी आप ही बचा सकते हैं, हम तो तैयारी करके आए हैं लेकिन इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आप ही का सहायता हमको चाहिए। फर्स्ट विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद जज साहब ने पूछा, वकील साहब आपको कल आने का कुछ तकलीफ है तो डेट देता हूं। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। ये कैसे होता है? क्योंकि हमको ऐसा लगता है, महसूस होता है कि हमारे साथ है भगवान, साथ है। हम जब भी कुछ थकान होता है तो बोलते हैं कृष्णा, तो हमको एक ठंडी सी हवा आता है, रोमांच होता है कि दैट इज द सिग्नल ही इज गिविंग, आई एम देयर विद यू, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ यू। इधर इंट्रोडक्शन करते हुए समय में बताए
प्राणघातक हल्ला हुआ, इसी मन से मैं पिछले बार भी बताया था, एक आधा फीट डिस्टेंस से वो गोली निकला, गाड़ी चला रहा था, तो किसने डिसाइड किया ये कि नहीं ये गोली आधा फीट दूरी से जाने का है करके, इट इज हिम। अभी 31 मई को अपना कार्यकर्ताओं केस लड़के ट्रायल चला के वापस बेंगलोर जा रहे थे, हाईवे में पुणे बेंगलोर हाईवे में मैं लेफ्ट साइड में बैठा था, एक ट्रक ने हमारे गाड़ी को रब करते हुए गया, वी वर इन 100 किलोमीटर्स पर आवर, ट्रक वॉज इन 120 किलोमीटर्स पर आवर, इट वॉज ए नैरो एस्केप, गाड़ी तो पूरा लेफ्ट साइड गया, हम लेफ्ट साइड बैठे थे, तो किसने पीछे से जो आ रहे थे गाड़ी वाले सोचे कि गया, ऐसा सिचुएशन था। वो गाड़ी का पिक्चर मैंने निकाल के भेजा था घर, सब लोग टेंशन हो गए थे कि बचा है कि नहीं करके, हु हैज टेकन दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, इट इज हिम, बिकॉज मैंने बताया आपको टेंशन हमारा नहीं है, टेंशन उनका है, हमको सिर्फ उससे बहुत प्रेम भाव से नाम जप करते करते शरण होने का, बस बाकी का टेंशन सीनियर का। अभी लोकसभा चुनाव के समय सभी का एक्सटर्मिनेट करने के लिए जो हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर जो केसेस है, गोरक्षण के समय में FIR होता है, कहीं प्रोटेस्ट के समय में FIR होता है, तो इनका एक या दो FIR जिसके ऊपर है और किसी के ऊपर FIR भी नहीं है लेकिन हिंदुत्व का कार्य करते हैं, उनके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू उनके कोर्ट में एक्सटर्मिनेट का एक एप्लीकेशन उनको तड़ी पार करने के लिए। तो ऐसे एक 30-25 लोगों का एक्सटर्मिनेट एप्लीकेशन ऐसी कोर्ट में ऐसी साहब के सामने आ गया था। अभी पिछले विधानसभा इलेक्शन के समय में इतना लोगों का तड़ी पार किए थे, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, अभी तो लोकसभा का इलेक्शन था तो 3 महीना जून तक उनका तड़ी पार। तो उसमें एक व्यक्ति आके मुझे बोला वकील साहब कैसा भी करके ये तो रद्द करने का प्रयास कीजिए, मुझे नोटिस आया है। हमने पूरा तैयारी करके गए, एसी साहब मैंने पूछा उधर दूसरे, नॉर्मली आई डोंट गो टू एसी कोर्ट्स, मैंने दूसरे वकील को पूछा कैसा है, बोला नया है लेकिन एकदम स्ट्रिक्ट है, नहीं वो जो पुलिस जो बोलता है ऐसे ही करेगा। हमने बोला ठीक है, किताब लेके गए उनके सामने, हमारा केस कॉल आउट हो गया, हम बोले साहब सुप्रीम कोर्ट के ये डिसीजन है, आप एक्सटर्मिनेट नहीं कर सकते ये केस में। वो तो ही वॉज ऑलरेडी स्टार्टेड डिक्टेटिंग द ऑर्डर टू द स्टेनो। हमने बोला, मैं वो टेबल के ऊपर हाथ ऐसे मार के बोला, आई हैव अ राइट ऑफ ऑडियंस, यू हैव टू लिसन टू मी, यू डिसाइड वॉट एवर द ऑर्डर यू वॉन्ट टू राइट लेटर, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई सबमिशन। वो डर गए, वो बोले नहीं मैं सुन रहा हूँ। मैं बोला आप सुन नहीं रहे हैं, आप डिक्टेट कर रहे हैं। उसके बाद का जो प्रक्रिया पूरा अलग, पूरा 35 लोगों का एक्सटर्मिनेट कैंसिल, दैट इज द स्ट्रेंथ वी हैव टू शो। वो स्ट्रेंथ कहाँ से आ सकता है? वो स्ट्रेंथ आएगा कि जो अनुभूति है हमको कि हमारे साथ कौन है, भगवान है, खुद भगवान है, गुरु है, तो हमको किसी भी तरफ का प्रॉब्लम आने का या नुकसान होने का संभव नहीं है, वी फील इट। अभी देखिए मैंने बताया एक्सीडेंट कवर, सोचिए कैसे गुरुदेव हमको प्रोटेक्ट करते हैं, हर क्षण हमको प्रोटेक्ट करते हैं। वो उस दिन सुबह अधिवक्ता दिव्या ताई को सुबह सुबह उनको एक ड्रीम स्वप्न आए थे, स्वप्न में
परात्पर गुरु स्वप्न में आए थे और उनका लेफ्ट हैंड वॉज वुंडेड। तो उनको लगा अरे ऐसा सपना कभी आया ही नहीं था, तो ये क्यों आया ये सपना मुझे। लेकिन शाम को पता चला कि जब हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट का फोटो उनको भेजा, जहाँ मैं बैठा था उसी एज पे मेरे पीछे अधिवक्ता उमाशंकर जी बैठे थे, वो लेफ्ट साइड है, पूरा लेफ्ट साइड को ट्रक ने रब करते हुए गया, पूरा डोर पूरा लेफ्ट साइड पूरा डैमेज हो गया था। अगर और थोड़ा 1 या 2 इंच वो ट्रक इस तरफ आता तो मैं और उमाशंकर जी आज नहीं। तो लेफ्ट साइड का जो हमको जो होने का था किसने लिया था? गुरुदेव ने लिया था। दैट इज द वे ही प्रोटेक्ट हिज डिसाइपल्स, साधकों को ऐसे प्रोटेक्ट हर क्षण, ये उनका लीला है। आप जाके पूछे गुरुदेव जी ऐसा हुआ था क्या, ऐसा आप लिए थे? उनको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इट इज ए रूटीन। एवरी साधक, हर एक साधक का ऐसा रक्षा करते हैं। वी हैव टू फील इट। हमको पता नहीं, हम बोलते हैं यार इट इज ए कोइंसिडेंट, इट इज नॉट ए कोइंसिडेंस, इट इज नॉट ए कोइंसिडेंस। ये हमको तब समझ में आएगा जब हम वो अनुसंधान में रहते हैं। वो अनुसंधान क्या बोलते हैं? दैट इज द फ्रीक्वेंसी लेवल विद हिम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ विद द गॉड। वी हैव टू रीच दैट फ्रीक्वेंसी लेवल। हाउ? नारायण नारायण। पहले बहुत गुस्सा आता था मुझे, ये नाम जब ये साधना का मार्ग में जब चलना शुरू किया, निरंतर नाम जब करते करते, अभी वो गुस्सा ये सब नहीं आता है, लेकिन क्षात्र तो है। अभी पिछले महीना गौरी लंकेश केस में एक एसीपी आए थे, इट वॉज ए फेक महाजर ड्रॉन बाय हिम, किताबें रखे उसके बाद विटनेसेस को लेके जाके उसको सीज करने का प्लान था, वो ऐसा किए थे। लेकिन देखिए जब 2018 में वो महाजर उन्होंने लिखा था, उसी टाइम में वो महाजर में इतना गलतियां करने का वो भगवान का इंटेंशन था, उससे लिखवाया ऐसा और हमको दिखाया ये गलतियां हैं, उसको घिसो कोर्ट में। वो एसीपी को इतना हम रगड़ा उधर कोर्ट में, वो ही वॉज सो अपसेट। उसके घर वालों ने वो कोर्ट पीसी को फ़ोन करके बोला अरे आज कोर्ट में क्या हुआ, ये तो बहुत अपसेट है, डिप्रेशन में चले गए हैं। वो कोर्ट पीसी नेक्स्ट डे आके हमको बोलता है साहब हम पहले उनको बताए थे, ये वकील साहब है, ये तो बराबर क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं और आप पूरी तैयारी करके जाइए अंदर। तो उसने बोला, एसीपी साहब ने बोला मैं कितना बॉम्ब ब्लास्टिंग केस का एविडेंस दिया हूँ, ये क्या कैसे करके बताए थे सर। तो आपने एकदम इतना अच्छे से उनको धोए करके पीसी ने बोलता है। और उन्होंने बोला सर आप हमारे पक्ष आते तो ये केस हम जीत सकते थे। तो उनका देखिए दो, दैट इज द ऑरा जो निर्माण होता है ये नाम जप वगैरह से, अब स्वभाव दोष निर्मोहन ये सब प्रक्रिया करते करते हमारा जो पॉजिटिव एनर्जी लेवल दैट इंक्रीजेस एंड इट रीचेस द अदर पर्सन एंड ही विल फॉल इन लाइन विद अवर टर्म्स, है कि नहीं? सिर्फ कानून का पढ़ाई करके कोर्ट में जाके केस चलाने से वो एक तरीका है, और ये साधना करते हुए ये जाके करने का ये
अलग तरीके. दिस इज लाइक गोइंग इन ए टोल वे. स्पीड ज़्यादा है, आराम का सफ़र है, लेकिन टोल तो देना पड़ेगा. नारायण नारायण. बस इतना ही करने का है. और एक ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जो अनुभूति कैसा है हमको. अपना एक हिंदुत्व का कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक वीडियो करके छोड़ा था और उसके उनके ऊपर एक केस भी फाइल हो गया था बेंगलोर में. उसके बाद वो मैंगलोर के लिए ट्रांसफ़र हो गया केस. और पुलिस ने आकर उनका बोला, नहीं वो वीडियो तुमने जो बनाया वो मोबाइल हमको सीज करने का है, वो जगह दिखाने का है करके पूरा उनको डरा है. क्योंकि उस टाइम में गवर्नमेंट चेंज हुआ था कर्नाटक में, तो पूरा टेंशन में आ गया. इट्स ऑब्वियस, क्योंकि साधक और हिंदू को जो कार्यकर्ता हैं बहुत इनोसेंट होते हैं. हम तो एक हिंदुत्व का कॉज के लिए लड़ते हैं. हमको ये लड़ाई पुलिस स्टेशन कोर्ट इसका हमको ज़्यादा तरीका प्रोसीजर मालूम नहीं होता है. तो उन्होंने फ़ोन किया, बात हमने डिस्कशन किया, उसके बाद बोला कि नहीं ये काम कीजिए, आप मोबाइल जाके उनको दीजिए. मैंगलोर में मैं 125 किलोमीटर अवे कुर्ग में था, मुझे बेंगलोर जाने का था अगले दिन. तो हमने बोले नहीं आप जमा कीजिए, उसके बाद देख लेंगे. उनको बेल ऑफ सब मिला था. उसके बाद मन में लगा दोपहर को, नहीं अभी इनको भेजेंगे तो अगर कुछ उधर उल्टा सुलटा हो गया तो बाद में केस में हमको प्रॉब्लम होगा. तो सोचे दोपहर को हमने शेड्यूल चेंज करके मैंगलोर गए. मैंगलोर जाके उन साधक के पास बैठ के बात करके उसके बाद चले चलिए स्टेशन निकलते. स्टेशन में जाके हम बैठे थे, वो पुलिस ऑफिसर ने उन्हें कहा किधर है मोबाइल, ऐसे सब बात करने लगा. हमने जाके बोला सर ये मोबाइल सीज करने का अभी ज़रूरत है क्या. अभी एक हफ्ते में हम हाईकोर्ट में इसको 482 पिटीशन डाल के क्वेश्चन के लिए जाएंगे तो स्टे आ जाएगा. तो उन्होंने बोला अरे ऐसा है क्या, ठीक है तो मोबाइल सीज नहीं करूँगा. द चेंज ऑफ हिज एटीट्यूड वेन एवर ए साधक एडवोकेट अप्रोचेस हिम. हम एक्चुअली रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं इनका जो रिक्वेस्ट है करने का ही है. दिस इज द एग्जाम्पल. वो कैसे होता है, भले ही हम बात कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ कौन है, भगवान है. हम उनको प्रार्थना करके ही निकलते हैं, है कि नहीं. गुरुदेव को प्रार्थना करके ही निकलते हैं. सो ही फॉलोस ऑलवेज हिज डिसाइपल. साधक जो बोलता है इट इज नॉट हिज वर्ड्स, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट क्रिएट्स मिरेकल एंड ही ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज भक्त. ये तो ऐसा हजारों हजारों अनुभूतियां हैं. अभी वक्त का पाबंदी है, सभी को ये अनुभूति महसूस होगा. बट वी हैव टू रीच दैट फ्रीक्वेंसी. टू रीच दैट फ्रीक्वेंसी वी हैव टू पे. वो पे क्या करने का, नारायण नारायण. ईश्वर के प्रति भाव कैसा होना चाहिए, एक भक्त कैसा होना चाहिए, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अधिवक्ता कृष्णमूर्ति जी है. साधना का महत्व क्या है और साधना के बल के कारण भगवान ही भक्त की कैसे रक्षा करते हैं, इस संदर्भ में आपने जो अनुभूति बताई, उस समय वो अनुभूति सुनते समय हमें भी ईश्वर की साक्षात अनुभूति हुई. साधना से ब्रह्मतेज बढ़ता है, इस ब्रह्मतेज का अनुभव आपका वक्तव्य सुनते समय हमें हो रहा था. धर्म रक्षा के लिए लड़ना, साथ ही भगवान के अनुसंधान में रहना, यानी ब्रह्मतेज और क्षात्रतेज की उपासना
एक साथ कैसे करना है, ये आपके प्रत्यक्ष उदाहरण से आज हमें सीखने के लिए मिला। कृष्णमूर्ति जी, हम आपके प्रति कृतज्ञ हैं।